का स्वागत है। आपको बता दें कि हमारे साथ सुभाष चौहान जोर शोर से और काफी संख्या लेकर उतरे हैं सड़क पर, कहीं ना कहीं विरोधियों को दहला देने वाला ये सूचना एक तरह से जाएगा। सर, इतने जन समर्थन लेकर उतरे हैं, क्या कहेंगे? हम सिवान के जनता को सबसे पहले प्रणाम करते हैं और यही कहेंगे कि ईमानदार साफ सुथरा व्यक्ति को ही चेयरमैन बनाए और ऐसा स्वच्छ छवि के ईमानदार लोगों को चुने कि नगर का विकास हो, नगर में भ्रष्टाचार मिटे। सर, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस बार। ऐसा सरकार व्यवस्था कर दी है कि अब नामुमकिन है भ्रष्टाचार करना, क्योंकि पब्लिक के हाथों में चेयरमैन का चुनाव वोटिंग करने का अधिकार दे दिया। सर, देखा जा रहा बहुत काफी जन समर्थन आपके साथ है, ये क्या समझा जाए? ये पहला ही और पहले बार पे हम लोग बचपन से ही जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और बचपन से हम लोग इतना लोगों को काम किया है जिसको लेकर जन समर्थन आज उतरी हुई। तो सब क्या कहेंगे सर? जनता को हम सबसे पहले कहेंगे कि साफ सुथरा छवि और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को चेयरमैन पर चुने। जी, बहुत बढ़िया बात है। आपने देखा कि नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं और एक आध लोग हैं, उनसे भी बात करें। भाई, जन समर्थन में आप लोग भी पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है आपकी जीत पक्की? देखिए, मेन चीज है कि ये पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जब यहाँ भ्रष्टाचार हमारे वार्ड से स्टार्ट हुआ था, उस समय जब हमें कोई नहीं दिखा तो हम लोग सुभाष जी को खड़ा किए और लगातार 3 बार से वार्ड पार्षद बना के रखे हुए हैं। हम लोग इसलिए बना के रखे, इन्होंने काम किया है, कंटिन्यू काम किया है। नगर परिषद में अभी के डेट में भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही, नाला रोड पे पानी, जो सब्जी बेचते हैं रोड के किनारे उनकी भी समस्या है, जो कभी किसी ने नहीं सुना। कारण ये था कि वो पैसा लेकर बनते थे नगर परिषद के चेयरमैन, तो 5 साल लग जाते थे अपना पैसा रिकवर। बड़ा आरोप है, बड़ा पैसे का खेल जमकर होता रहा है जी। अभी के डेट में जो भी कैंडिडेट खड़े उसमें बहुत लोग केस चल रहा है भ्रष्टाचार का। जनता अब की बार भ्रष्टाचारियों को चुनने वाली नहीं है, उनका जूतों से स्वागत करेगी। बहुत बड़ी बात है, स्वागत करेगी। देख लीजिए, अच्छा ये बताइए कि आप लोग अगर ये सुभाष चौहान जी आते हैं तो जो चीज पानी की जल जमाव की बड़ी समस्या है साफ सफाई की, वो खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, हम जनता है, जहाँ के ये नेता है हम लोग इनसे खुश हैं। हमारे पूरे वार्ड में इतना काम नहीं हुआ, मतलब अभी तक पूरे जिला में उतना काम नहीं हुआ होगा जितना सुभाष चौहान ने किया है, और हमें भरोसा है कि नगर में आने के बाद नगर का काया कल्प बदल जाएगा। अपना नाम बता दीजिए। गोविंद पांडे। बहुत बड़ी बात है, आपको देखा कि एक भारी जन लोगों से बात करेंगे कि हाँ क्या हुआ भाई, नामांकन में जा रहे हैं, किसके नामांकन में जा रहे हैं? अपने भाई के सुभाष चौहान के नामांकन में। तो क्या लगता है, आपको जिता देना है? जिता देना है। क्या कुछ काम में भी होगा? एकदम पूरा होगा, विकास जो अधूरा है पूरा काम होगा, पूरा काम होगा, बहुत काम अधूरा है। बोलिए, विकास में सुभाष चौहान एक नंबर। ये कितनी बार रह चुके हैं वार्ड पार्षद? 3 बार। तीन बार रह चुके हैं। अब की बार क्या बनाना है? आपकी सभापति बनाना है। एकदम 100%। बहुत भारी जन समर्थन के साथ सुभाष चौहान पहुंचे हुए हैं और एक लंबा कचौड़ा भीड़ है, जहां तक आप देख रहे हैं देख सकते हैं कि लंबे लोगों का भीड़ लगा हुआ है काफिला। और यह सभापति के चुनाव के लिए इनकी वाइफ लड़ रही हैं, कहीं ना कहीं